एक मिनट बैठे बैठे प्लीज बैठे एक मिनट बैठे प्लीज प्लीज बैठे बैठे एक मिनट बैठे 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 ऑनरेबल मेंबर्स, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। मणिपुर के मैंने एक माननीय सदस्य को पहले ही बोलने का मौका दे दिया था। मन उनकी पार्टी से नौ मेंबर बोले आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अहम विषय उठाए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबका और देश का मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं विशेष करके जो पहली बार सांसद बनकर के हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ आदरणीय साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए किए, उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है। और इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है। आदरणीय सभापति जी, देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है और आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ। और लोकतंत्र के माननीय
माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जब बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका। और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। नो, गलत तरीका है। नो, ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखे आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। आप संसद मर्यादा पीछे पीठ पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं सदन की। डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये आपको, ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी, विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। आदरणीय सभापति जी, हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने जिस समर्पण भाव से जन सेवा ही प्रभु सेवा इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए हमने जो कार्य किया है, उसके कारण 10 साल में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले। आजादी के कालखंड में इतने कम समय में इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ये सफल प्रयास इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है। आदरणीय सभापति जी, हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित है, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें
उसके लिए आशीर्वाद दिया। आदरणीय सभापति जी, आज दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है, आज विश्व में भारत का गौरव हो रहा है और भारत के तरफ देखने का नजरिया भी एक गौरवपूर्ण नजरिया हर भारतवासी अनुभव करता है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है, भारत सर्वप्रथम है। हमारे हर नीति, हमारे हर निर्णय, हमारे हर कार्य का एक ही तराजू रहा है कि भारत प्रथम, और भारत की इस प्रथम की भावना के साथ देश में जो आवश्यक रिफॉर्म थे उस रिफॉर्म को भी हमने लगातार जारी रखा है। 10 वर्ष में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करती रही है। आदरणीय सभापति जी, हम उस सिद्धांतों को समर्पित है जिसमें भारत के संविधान के स्पिरिट के अनुसार सर्वपंथ संभाव उस विचार को सर्वोपरि रखते हुए हमने देश की सेवा करने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण की राजनीति भी देखी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा, देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण और संतुष्टिकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन, गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है इसको परिपूर्ण करना, और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है, सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है, और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बिठा करके मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, अपीजमेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है और इसलिए हमने जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन इस सिद्धांत को लेकर के हम चले। आदरणीय सभापति जी, 10 साल के हमारे कार्य को देखने परखने के बाद भारत की जनता ने हमारा समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी, हमें फिर एक बार 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का मौका मिला है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव ने
इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है, भारत की जनता कितने विवेकपूर्ण रूप से और कितने उच्च आदर्शों को लेकर के अपने विवेक का सद्बुद्धि से उपयोग करती है। और उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम आपके सामने, देश की जनता के सामने नम्रता पूर्वक सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमारी नीतियों को देखा है, हमारी नियत, हमारी निष्ठा, उस पर देश की जनता ने भरोसा किया है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में हम जनता के बीच एक बड़े संकल्प के साथ देश की जनता के पास आशीर्वाद मांगने के लिए गए थे और हमने आशीर्वाद मांगा था विकसित भारत के हमारे संकल्प के लिए, हमने विकसित भारत के निर्माण के लिए एक प्रतिबद्धता के साथ, एक शुभ निष्ठा के साथ जन सामान्य का कल्याण करने के इरादे से हम गए थे। जनता ने विकसित भारत के संकल्प को चार चांद लगा करके हमें फिर से एक बार विजयी बना करके देश की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के सपने पूरे होते हैं। देश जब विकसित होता है तब कोटि कोटि जनों के संकल्प सिद्ध होते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब देश विकसित होता है तब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव उनके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का सीधा सीधा लाभ हमारे देश के नागरिकों की गरिमा, हमारे देश के नागरिकों के क्वालिटी ऑफ लाइफ का सुधार, ये स्वाभाविक हमें विकसित भारत होने से देश के कोटि कोटि जनों के भाग्य में आता है। आजादी के बाद मेरा देश का सामान्य नागरिक इन चीजों के लिए तरसता रहा है। आदरणीय सभापति जी, जब विकसित भारत होता है तब हमारे गांव की स्थिति, हमारे शहरों की स्थिति, उसमें भी बहुत बड़ा सुधार होता है। गांव के जीवन में गौरव भी होता है, गरिमा भी होती है और विकास के नए नए अवसर भी होते हैं। हमारे शहरों का विकास भी एक अवसर के रूप में विकसित भारत में उभरता है, तब दुनिया की विकास यात्रा में भारत के शहर भी बराबरी करेंगे, ये हमारा सपना है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का मतलब होता है कोटि कोटि नागरिकों को कोटि कोटि अवसर उपलब्ध होते हैं, अनेक अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं और वो अपने कौशल्य, अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार विकास की नई सीमाओं को प्राप्त कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, मैं
आदरणीय सभापति जी, मणिपुर को न्याय दो, आदरणीय सभापति जी, मैं आज आपके माध्यम से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम बरसक प्रयास करेंगे, पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे और हमारा समय का पल पल और हमारे शरीर का कण कण हम देशवासियों को विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लगाएंगे। हमने देश की जनता को कहा था 24/7 फॉर 2047। आज मैं इस सदन में ही दोहराता हूं कि हम उस काम को अवश्य पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 2014 के उन दिनों को याद कीजिए, उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने उनका आत्मविश्वास खो चुका था, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। ऐसे समय 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और उस समय सामान्य मानवीय के मुंह से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। उस समय हर जगह पे ये 7 शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। भारतीयों की हताशा के इन 7 शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे। उस समय हर आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों की घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। पॉलिसी पैरालिसिस था, फ्रेजाइल फाइव में पहुंच चुके थे, भाई भतीजावाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी, ये स्थिति पैदा हुई थी। गरीब को घर लेना हो हजारों रुपये की रिश्वत देनी पड़ती थी। आदरणीय सभापति जी, अरे गैस के कनेक्शन के लिए मैं
सांसदों के यहाँ अच्छे अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे और वो भी बिना कट के लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। आदरणीय सभापति जी, मुफ्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पर बोर्ड लटक जाए, हक का राशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। और हमारे ज्यादातर भारतीय भाई बहन इतने निराश हो चुके थे कि वो अपने भाग्य को देश दोष दे करके, अपने नसीब को दोष दे करके जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो एक वक्त था 2014 के पहले जब वो सात शब्द हिंदुस्तान के जनमन में स्थिर हो चुके थे, निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज था, तब देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना और वो पल देश के परिवर्तित युग का प्रारंभ हो चुका था। और 10 साल में मैं कहूंगा मेरी सरकार की अनेक सफलताएं हैं, अनेक सिद्धियां हैं, लेकिन एक सिद्धि जिसने हर सिद्धियों में भी जोर भर दिया, ताकत भर दी, वो थी देश निराशा की गर्त में से निकल करके आशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया। देश में आत्मविश्वास बुलंदी पर पहुंचा और उसके कारण वो सब वक्त का जो शब्द थे देश की युवा पीढ़ी के डिक्शनरी से निकलने लगे। धीरे धीरे देश के मन में स्थिर हो गया जो 2014 से पहले कहते थे कुछ नहीं हो सकता, वो कहने लगे तब इस देश में सब कुछ हो सकता है, इस देश में सब कुछ संभव है, ये विश्वास जताने का काम किया हमने। जब हमने सबसे पहले तेज 5G रोल आउट हमने दिखाया, आज देश कहने लगा तीव्र गति से 5G का रोल आउट होना, देश गौरव से कहने लगा भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक जमाना था जब कोयले घोटाले में बड़ों बड़ों के हाथ काले हो चुके थे, आज कोयले का सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक प्रोडक्शन, आज कोल प्रोडक्शन के विक्रम हुए हैं और इसी के कारण देश अब कहने लगा है अब भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक समय था 2014 के पहले जब फोन बैंकिंग करके बड़े बड़े बैंक घोटाले किए जा रहे थे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह बैंक का खजाना लूट लिया गया था। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन, निर्णयों में गति, निष्ठा प्रामाणिकता की, और उसी का परिणाम है दुनिया की अच्छी बैंकों में आज भारत की बैंकों का स्थान बन गया। आज भारत की बैंक सर्वाधिक मुनाफा करने वाली बैंक बन गई और लोगों की सेवा करने के लिए। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां
हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। आज आदरणीय सभापति जी, देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, आर्टिकल 370, इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे, भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया करते थे। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई देता है। आदरणीय सभापति जी, 140 करोड़ देशवासियों में ये विश्वास पैदा होना, ये उम्मीद, और जब विश्वास जगता है तो विकास का वो ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। इस विश्वास ने विकास का ड्राइविंग फोर्स का काम किया है। आदरणीय सभापति जी, ये विश्वास विकसित भारत संकल्प से सिद्धि का विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, जब आजादी का जंग चल रहा था और जो भाव देश में था, जो जोश था, उत्साह था, उमंग था, जो विश्वास था कि आजादी लेके रहेंगे, आज देश के कोटि कोटि जनों में वो विश्वास पैदा हुआ है, जिस विश्वास के कारण आज विकसित भारत होना एक प्रकार से उसकी मजबूत नींव इस चुनाव में शिलान्यास हो चुका है। जो ललक आजादी के आंदोलन में थी, वही ललक विकसित भारत के
इस सपने को साकार करने में है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत के लक्ष्य बहुत विराट है और आज भारत को एक ऐसी स्थिति पर 10 साल में पहुंचा है कि हमें खुद से ही स्पर्धा करनी है, हमें ही अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं और नेक्स्ट लेवल पर हमें हमारी विकास की यात्रा को ले जाना है। 10 वर्षों में भारत विकास की जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो हमारी प्रतिस्पर्धा का एक मार्क बन चुका है, एक बेंचमार्क बन चुका है। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड में ले जाने का है और मेरा विश्वास है देश की इच्छा को हम उसी गति से पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, हम हर सफलता को, हर सेक्टर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 सालों में भारत की इकोनॉमी को 10 साल के अल्पकाल में हम 10 नंबर से इकोनॉमी को 5 नंबर पे ले गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जिस गति से निकले हैं, अब हम देश की इकोनॉमी को नंबर 3 पर ले जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 सालों में हमने भारत को मोबाइल फोन का बड़ा मैन्युफैक्चरर बना दिया, भारत को मोबाइल फोन का बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया। अब यही काम इस हमारे टेन्योर में सेमीकंडक्टर और अन्य सेक्टर्स में हम करने जा रहे हैं। दुनिया के महत्वपूर्ण कामों में जो चिप्स काम में आएगी, वो चिप्स मेरे भारत की मिट्टी में तैयार हुई होगी, मेरे भारत के नौजवानों की बुद्धि का परिणाम होगा, मेरे भारत के नौजवानों के परिश्रम का परिणाम होगा, ये विश्वास हमारे बीच है। आदरणीय सभापति जी, हम आधुनिक भारत की तरफ भी जाएंगे, हम विकास की नई ऊंचाइयों को, लेकिन हमारी जड़ें जमीन से जुड़ी रहेगी, हमारे पैर देश के जन सामान्य की जिंदगी से जुड़े रहेंगे और हम 4 करोड़ गरीबों के घर बना चुके हैं। आने वाले इस टेन्योर में तेज गति से 3 करोड़ और घर बना करके इस देश में किसी को भी घर के बिना रहना ना पड़े, ये हम देखेंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने देश की कोटि कोटि बहनों को एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में एक बहुत सफलतापूर्वक हमने आगे बढ़े हैं। अब हमने उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। अब हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि इतनी बढ़ाना चाहते हैं, उसका इतना विस्तार करना चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में 3 करोड़ ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर के चलने वाले। आदरणीय सभापति जी,
मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहरा हूं, हमारी तीसरी टर्म में इसका मतलब है हम 3 गुना स्पीड से काम करेंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम देशवासियों को 3 गुना परिणाम ला करके देंगे। सदस्य गणों, नेता प्रतिपक्ष माननीय सदस्य, मैंने सबको मौका दिया, आपने 90 मिनट बोला, ये संसद में तरीका ठीक नहीं है। मैं आग्रह करूंगा आप इस तरीके से संसद की मर्यादा को बनाए उचित नहीं है। आप जाइए बेल में से बैठिए, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया, आपको 90 मिनट बोलने दिया और समय पूरा दिया, आपकी सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया, लेकिन आप जब सदन के नेता बोलते हैं जिस तरीके का व्यवहार करते हैं ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, और ये इतनी बड़ी पार्टी जो लेकर आप चल रहे हो उसकी परंपराओं के अनुरूप ही नहीं है। ये 5 साल ऐसे चलने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना एक ऐतिहासिक घटना है। आजादी के बाद ये सौभाग्य दूसरी बार इस देश में आया है और 60 साल के बाद आया है। इसका मतलब ये सिद्धि पाना कितना कठोर परिश्रम के बाद होता है, कितना अभूतपूर्व विश्वास संपादन होने के बाद होता है। ऐसे ही ये राजनीति के खेल से नहीं होता है, जनता जनार्दन की सेवा से प्राप्त आशीर्वाद से होता है। सभापति जी, जनता ने हमें स्थिरता और निरंतरता इसके लिए जनादेश दिया। लोकसभा चुनाव के साथ ही आदरणीय सभापति जी, लोगों की नजर से चीजें जरा ओझल हो गई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हमारे देश में 4 राज्यों के भी चुनाव हुए और आदरणीय सभापति जी, इन 4 ही राज्यों में एनडीए ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, अभूतपूर्व सफलता प्राप्त। हमने शानदार विजय प्राप्त की, महाप्रभु जगन्नाथ जी की धरती उड़ीसा ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। आदरणीय सभापति जी, आंध्र प्रदेश एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है, सूक्ष्म दर्शक यंत्र में भी ये नजर नहीं आते हैं। आदरणीय सभापति जी, अरुणाचल प्रदेश हम फिर एक बार सरकार बनाई है, सिक्किम में एनडीए ने फिर एक बार सरकार बनाई है। अभी 6 महीने पहले ही आदरणीय सभापति जी, आपका होम स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और
छत्तीसगढ़ में हमने प्रचंड विजय पाया है। आदरणीय सभापति जी, हमें नए नए क्षेत्रों में जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिला है। आदरणीय सभापति जी, बीजेपी ने केरला में इस बार खाता खोला है और बड़े गर्व के साथ केरला से हमारे सांसद हमारे साथ बैठते। तमिलनाडु में कई सीटों पर बीजेपी ने दमदार उपस्थिति दर्ज की है। कर्नाटक, यूपी और राजस्थान में पिछली बार की तुलना में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है। आने वाले समय में तीन राज्यों में चुनाव है, जिन राज्यों में चुनाव, उसमें से तीन की मैं बात करता हूं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, यहां चुनाव आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पिछली विधानसभा में इन तीन राज्यों में हमें जितने वोट मिले थे, इस लोकसभा चुनाव में इन तीन राज्यों में मैं उससे भी ज्यादा वोट मिले हैं। आदरणीय सभापति जी, पंजाब में भी हमारा अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है और हमें बढ़त मिली है। जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए। विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा
मैं अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूँ। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, 1984 उस चुनाव को याद कीजिए, उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए, 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 84 के बाद 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह 99-99 के चक्कर में फंसे गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है, किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस
सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। सभापति जी, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल है उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है, और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। मैं जब परजीवी कह रहा हूं तो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन को और इस सदन के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं। जहां जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, या जहां कांग्रेस मेजर पार्टी थी और साथी के पास 1-2-3 सीटें थी,
वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ और सिर्फ 26% है, 26% है। लेकिन जहां किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मौका, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी उनका स्ट्राइक रेट 50% है। और कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगों ने उनको जिताया है। और इसलिए मैं कहता हूं ये परजीवी कांग्रेस है। 16 राज्यों में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी वहां उसका वोट शेयर इस चुनाव में गिर चुका है। आदरणीय सभापति जी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीन राज्यों में जहां कांग्रेस अपने दम पर लड़ी और 64 में से 64 में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई है, 64 में से 2। इसका साफ मतलब है कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर उन्होंने चढ़ करके ये सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। अगर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के जो वोट खाए हैं वो अगर न खाए होते तो लोकसभा में उनके लिए इतनी सीटें जीत पाना भी बहुत मुश्किल था। आदरणीय सभापति जी, ऐसे समय एक अवसर आया, देश ने विकास के रास्ते को चुना है, देश ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का मन बना लिया है, तब भारत को एकजुट होकर समृद्धि का नया सफर तय करना है। ऐसे समय ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में 6-6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने में जुटी हुई है। ये दक्षिण में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, ये उत्तर में जाकर के पश्चिम के खिलाफ जहर उगलते हैं, पश्चिम के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं। इन्होंने भाषा के आधार पर बांटने की हर कोशिश की है। जिन नेताओं ने देश के हिस्से को भारत से अलग करने की वकालत की थी उनको संसद की टिकट देने तक का दुर्भाग्य हमें देखना पड़ा जो कांग्रेस पार्टी ने पाप किया। कांग्रेस पार्टी खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए
रोज नई नई नैरेटिव कर रही है, नए तय अफवाहें फैला रही है। आदरणीय सभापति जी, देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने की प्रवृत्ति का भी कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है। चुनाव के दौरान जो बातें की गई राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं, ये वो रास्ता आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है। उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए, ये खेल जानबूझ करके खेला जा रहा है। मंचों से साफ साफ घोषणा की गई, अगर इनके मन का परिणाम नहीं आया, 4 जून को देश में आग लगा दी जाएगी, लोग इकट्ठे होंगे, अराजकता फैलाएंगे, ये अधिकृत रूप से आह्वान किए गए, ये अराजकता फैलाना इनका मकसद है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाकर अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया है। सीएए को लेकर जो अराजकता फैलाई गई, देश के लोगों में गुमराह करने का जो खेल खेला गया, पूरी इकोसिस्टम इस बात को बल देती रही ताकि उनके राजनीतिक मकसद पूरे हो। आदरणीय सभापति जी, देश को दंगों में झोंकने के भी कुत्सित प्रयास पूरे देश ने देखे हैं। आदरणीय सभापति जी, आजकल सिंपथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है, नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी माँ भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, माँ मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। माँ परेशान हो गई, उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को माँ की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है।
समृद्धि का विलाप चल रहा था, मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपति हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपये उसकी हेरा फेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। बताने के मामले में सजा पा चुके हैं, इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है, इन पर महान स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है, इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है, इन पर अनेक नेताओं अधिकारियों संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है, और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है, इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। बैठिए माननीय सदस्य। ये तरीका आदरणीय अध्यक्ष जी, तुलसीदास जी कह गए हैं अखिलेश जी, तुलसीदास जी कह गए हैं जूठई लेना जूठई देना जूठई भोजन जूठई चबेना। तुलसीदास जी ने कहा है जूठई लेना जूठई देना जूठई भोजन जूठई चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया,
युद्ध लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे सभापति जी कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। देश ने कल 1 जुलाई को फटाखट दिवस भी मनाया है। जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे, केस 8,500 रुपए आए कि नहीं आए, ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया, माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ, इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। आदरणीय सभापति जी, ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, एचएएल को लेकर के झूठ, एलआईसी को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि एमएसपी नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़, ये सदन का दुर्भाग्य है। और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करे, ये शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, जो दल 60-60 साल तक यहां बैठा है, जो सरकार के कामों को जानता है, जिसके पास अनुभवी नेताओं की श्रृंखला, वे जब अराजकता के इस रास्ते पर चले जाए, झूठ के रास्ते को चुन ले, तब देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है, इसका सबूत मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, सदन की गरिमा से खिलवाड़, ये हमारे संविधान निर्माताओं का पार है, इस देश के महापुरुषों का पार है, देश के लिए आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का पार है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं जानता हूं आप बहुत सरदई हैं, आप उदार मन के मालिक हैं, आप संकट के समय भी हल्की फुल्की मुझी मुस्कान के साथ
चीजों को झेल लेते हैं, लेकिन आदरणीय सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं, और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों का झूठ हमारे देश के नागरिकों की विवेक बुद्धि पर आशंका व्यक्त करता है। उनका झूठ देश के सामान्य विवेक बुद्धि पर एक तमाचा मारने की निर्लज्ज हरकत है। आदरणीय सभापति जी, ये हरकतें देश की महान परंपराओं पर तमाचा है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की गरिमा बचाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। सदन में शुरू हुई झूठ की परंपरा पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ये देशवासियों की भी और इस सदन की भी अपेक्षा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण पर भी हमेशा झूठ बोला। आज मैं 140 करोड़ देशवासियों के सामने सच्चाई रखना चाहता हूं, बड़ी नम्रता पूर्वक रखना चाहता हूं। देशवासियों ने भी इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल इमरजेंसी का 50वां वर्ष है। इमरजेंसी सिर पर सिर्फ सत्ता के लोभ के खातिर तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था, और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी है। उसने अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा फैलाया था, और देश के ताने बाने को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप किया था। आदरणीय सभापति जी, सरकारों को गिराना, मीडिया को दबाना, हर कारना में संविधान की भावना के खिलाफ, संविधान की धाराओं के खिलाफ, संविधान के एक एक शब्द के खिलाफ थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रारंभ से देश के दलितों के साथ, देश के पिछड़ों के साथ घोर अन्याय किया है। आदरणीय सभापति जी,
और इसी कारण से बाबा साहब अंबेडकर ने कांग्रेस की दलित विरोधी पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पर्दाफाश किया था कि कैसे नेहरू जी ने दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा देते समय जो कारण बताए थे वो कारण इनके चरित्र को दर्शाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की उपेक्षा पर अपने अंदर उत्पन्न आक्रोश को रोक नहीं सका। ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है, अनुसूचित जातियों की उपेक्षा। इसने बाबा साहब अम्बेडकर को आक्रोशित कर दिया। बाबा साहब के सीधे हमले के बाद नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आदरणीय सभापति जी, पहले षड्यंत्र पूर्वक बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में हरवाया गया। आदरणीय सभापति जी, हराया इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के इस पराजय की उसका जश्न मनाया, खुशी मनाई और खुशी उन्होंने व्यक्त की। आदरणीय सभापति जी, एक पत्र में ये लिखित है इस खुशी का। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब की तरह ही दलित नेता बाबू जगजीवन राम जी को भी उनका हक नहीं दिया गया। इमरजेंसी के बाद जगजीवन राम जी का पीएम बनने की संभावना थी, इंदिरा गांधी जी ने पक्का किया कि जगजीवन राम जी किसी भी हालत में पीएम न बने और एक किताब में लिखा गया है कि किसी भी कीमत पर जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। अगर बन गए तो वो हटेंगे नहीं जिंदगी पर। ये इंदिरा जी गांधी का कोट उस किताब में है। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी यही व्यवहार किया, उनको भी नहीं छोड़ा था। पिछड़ों के नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बिहार के सपूत सीताराम केसरी के साथ भी अपमानित व्यवहार करने का पाप इसी कांग्रेस ने किया। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही आरक्षण की घोर विरोधी रही है। नेहरू जी ने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके साफ साफ शब्दों में आरक्षण का विरोध किया था। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट ठंडे बक्से में सालों तक दबाए रखा था।
आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस पार्टी के तीसरे प्रधानमंत्री एक श्रीमान राजीव गांधी, और जब विपक्ष में थे उनका सबसे लंबा भाषण आरक्षण के खिलाफ था, वो आज भी संसद के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं आज एक गंभीर विषय पर आपका और देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल जो हुआ, इस देश के कोटि कोटि देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। आदरणीय सभापति जी, हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत। इस देश के हिंदुओं के साथ आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? यह देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल माँ दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल माँ काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो? ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद,
ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य प्लीज, आदरणीय सभापति जी, हम बचपन से सीखते हुए आए हैं, गांव का हो शहर हो का हो, गरीब हो अमीर हो, इस देश का हर बच्चा बच्चा ये जानता है ईश्वर का हर रूप। आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है, ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल, आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है? आदरणीय सभापति जी, सदन के कल के दृश्यों को देख करके अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। आदरणीय सभापति जी, हमारी सेनाएं देश का अभिमान है, सारे देश को उनके साहस और हमारी सेना की वीरता पर गर्व है और आज सारा देश देख रहा है हमारी सेनाएं, हमारा डिफेंस सेक्टर आजादी के बाद इतने सालों में जितना नहीं हुआ, इतने रिफॉर्म हो रहे हैं, हमारी सेना को आधुनिक बनाया जा रहा है, हर चुनौती को हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे सके, इसलिए युद्ध के सामर्थ्य वाली सेना बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं देश की सुरक्षा का मकसद लेकर के। चलो, चलो, चलो।
बीते कुछ सालों में बहुत सारी चीजें बदली है। सीडीएस का पद बनने के बाद इंटीग्रेशन और सशक्त हुआ है। आदरणीय सभापति जी, हमारी सशस्त्र सेनाओं के बीच उनके सहयोग से जो लंबे समय से युद्ध शास्त्र के निष्णातों का मत था कि भारत में थिएटर कमांड जरूरी है, आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि सीडीएस व्यवस्था बनने के बाद देश में सुरक्षा के लिए जरूरी थिएटर कमांड की दिशा में प्रगति हो रही है। आदरणीय सभापति जी, आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमारी सेना को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमारी देश की सेना युवा होनी चाहिए, सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए होती है। हमें हमारे युवाओं पर भरोसा होना चाहिए, सेना में युवाओं की ताकत बढ़ानी चाहिए और इसलिए हम लगातार युद्ध योग्य सेना बनाने के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं। समय पर रिफॉर्म न करने के कारण हमारी सेना का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन ये सार्वजनिक बातें कहने योग्य नहीं होने के कारण मैं मेरे मुंह को ताला लगा करके बैठा हूं। आदरणीय सभापति जी, देश की सुरक्षा एक गंभीर मसला होता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे रिफॉर्म्स का उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में, अब युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रही है, ऐसे में हमें हमारी सेनाओं को उसी चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जिसको निभाने के लिए गालियां खा करके भी, झूठे आरोप सह करके भी, मुंह पर ताला लगा करके हम काम कर रहे हैं। ऐसे समय देश की सेना को आधुनिक बनाना, सशक्त बनाने के, ऐसे समय कांग्रेस क्या कर रही है? ये झूठ फैला रहे हैं। डिफेंस रिफॉर्म्स के प्रयासों को कमजोर करने का सरल कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, दरअसल कांग्रेस के लोग कभी भी भारतीय सेनाओं को ताकतवर होते नहीं देख सकते। आदरणीय सभापति जी, कौन नहीं जानता कि नेहरू जी के समय देश की सेनाएं कितनी कमजोर होती थी। हमारी सेनाओं में कांग्रेस ने जो लाखों करोड़ों के घोटाले किए, वही तरीका था जिस तरीके ने देश की सेना को कमजोर किया है। देश की सेनाओं को कमजोर किया, जल हो, थल हो, नभ हो, सेना की हर आवश्यकता में इन्होंने, देश आजाद हुआ तब से भ्रष्टाचार की परंपरा बनाई। जीप घोटाला हो, पनडुब्बी घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, इन सारे घोटालों ने
देश की सेना की ताकत को बढ़ने से रोका है। वो भी एक वक्त था आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के जमाने में हमारी सेनाओं के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे। सत्ता में रहते हुए देश की सेना को तो बर्बाद किया ही किया, उसको कमजोर किया ही किया, लेकिन ये कारनामे विपक्ष में जाने के बाद भी चलते रहे। विपक्ष में जाने के बाद भी सेना को कमजोर करने के लगातार प्रयास होते रहे। जब ये कांग्रेस सरकार में थे तो फाइटर जेट नहीं लिए, और जब हमने कोशिश की तो कांग्रेस हर तरह की साजिश पर उतर आई। फाइटर जेट एयरफोर्स तक न पहुंच पाए, इसके लिए साजिशें की गई। और आदरणीय सभापति जी, ये बालक बुद्धि देखिए कि राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके उड़ाने में मजा लेते थे, देश की सेना का मजाक उड़ाते थे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस ऐसे हर कदम का, हर रिफॉर्म का विरोध करती है जो भारत की सेना को मजबूती दे, भारत की सेना को मजबूत बनाए। माननीय सदस्यों, सभा की कार्रवाई माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण तक के बढ़ाई जाती है, और सभा की कार्रवाई सारी कार्रवाई पूर्ण तक बढ़ाई जाती है। आदरणीय सभापति जी, समय देने के लिए और समय का विस्तार करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस के लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा, हमारे सैनिकों का आत्मबल ही हमारे सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति है, और अब इस पर हमला करके और एक नया तरीका सेना में भर्ती को लेकर सरासर झूठ फैलाया जा रहा है, ताकि लोग, मेरे देश के नौजवान, मेरे देश की रक्षा करने के लिए सेना में न जाए, उनको रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूं, आखिर किसके लिए कांग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करना चाहती है, किसके फायदे के लिए कांग्रेस वाले सेना के संबंध में इतना झूठ फैला रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के देश के शहीद जवानों को उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था को खत्म किया था। दशकों तक कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन को लागू नहीं होने दिया, और
चुनाव जब आए तो 500 करोड़ रुपया दिखाकर निवृत्त सेना नायकों को मूर्ख बनाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन उनका इरादा था हो सके उतना वन रैक वन पेंशन को टालते रहना। एनडीए सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू की और आदरणीय सभापति जी, भारत के पास संसाधन कितने ही सीमित क्यों न हो, लेकिन उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिन लड़ाई के बावजूद भी 1,20,000 करोड़ रुपए हमारे पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के रूप में दिए गए। प्लीज, नो, ये तरीका ठीक नहीं है, नो, ये गलत तरीका, प्लीज माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है, आप संसदीय परंपराओं का पालन करें। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्घोषण में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है, परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में विकास को अपना सबसे बड़ा संकल्प बनाया है। आज हमारे सामने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का संकल्प है। आज हमारे सामने आजादी के इतने सालों के बाद पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए, हर गल जल पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, हर गरीब को आवास देना ये हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, भारत की विश्व में जैसे जैसे ताकत उभर रही है, हमारी सेनाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये युग हरित युग है, ये युग ग्रीन एरा है और इसलिए दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ रही है उसको एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम भारत ने बीड़ा उठाया है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी का भारत पावर हाउस बने उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए हैं
और उसको अचीव करने का हमारा संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, भविष्य ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ई व्हीकल से जुड़ा हुआ है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए भी हम पूरी तरह संकल्पबद्ध है। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी आज भारत 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए जिन संकल्पों को लेकर के हम चले हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें विश्व के सारे बेंचमार्क की बराबरी पे जाना है। आदरणीय सभापति जी, जितना निवेश भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ है वो इतना पहले कभी नहीं हुआ है और जिसका लाभ आज देशवासी देख रहे हैं। देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं, उसको विस्तार हो, उसको एक नए रूप रंग मिले, आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हो और उसके आधार पर इंडस्ट्री 4.0 में भी भारत लीडर के रूप में उभरे और हमारे नौजवानों का भविष्य भी संवरे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक स्टडी है कि पिछले 18 साल में, ये स्टडी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये अध्ययन कहता है कि पिछले 18 साल में प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन में आज सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। 18 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में एक उदाहरण बना है। विश्व के लोग, मैं G20 समूह में जब भी गया, भारत की डिजिटल इंडिया मूवमेंट को लेकर के, डिजिटल पेमेंट को लेकर के विश्व के समृद्ध देशों को भी अचरज होता है और बड़ी जिज्ञासा के साथ हमें सवाल पूछते हैं। ये भारत की सफलता की बहुत बड़ी कहानी है। माननीय सदस्य प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। आदरणीय सभापति जी, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है स्वाभाविक है प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है और चुनौतियां भी बढ़ रही है। जिन्हें भारत की प्रगति से दिक्कत है, जो भारत की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं, वो गलत हथकंडे भी अपना रहे हैं। ये ताकतें भारत की डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी पर हमला कर रही है और ये चिंता सिर्फ मेरी नहीं है, ये चिंता सिर्फ सरकार की नहीं है, ये चिंता सिर्फ ट्रेजरी बैंक की नहीं है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सबको इन बातों से चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो कोर्ट मैं आज सदन के सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट
देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए भी कैसे कैसे संकट आने की संभावनाएं दिख रही है, इसकी तरफ इशारा करता है। आदरणीय सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बड़ी गंभीरता पूर्वक कहा है और मैं कोट पढ़ता हूं, ऐसा लगता है इस महान देश की प्रगति पर, ऐसा लगता है कि इस महान देश की प्रगति पर संदेह प्रकट करने, उसे कम करने और हर संभव मोर्चे पर उसे कमजोर करने का एक ठोस प्रयास किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट आगे कह रही है, इस तरह के किसी भी प्रयत्न या प्रयास को आरंभ में ही रोक दिया जाना चाहिए। देश की सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट है। आदरणीय सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो भावना व्यक्त की है, इस पर हम यहां वाले या वहां वाले सदन में हैं, उन्होंने सदन के बाहर उन्होंने सबको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आदरणीय सभापति जी, भारत में भी कुछ लोग हैं जो ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं, देशवासियों को ऐसी ताकतों से सतर्क रहने की जरूरत है। आदरणीय सभापति जी, 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर ये कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, ये ऐसा कालखंड है जब दुनिया भारत की प्रगति को बहुत गंभीरता से ले रही है,
हर बारीकी को नोटिस कर रही है। आदरणीय सभापति जी, अब चुनाव हो चुके हैं, 140 करोड़ देशवासियों ने 5 साल के लिए अपना निर्णय जनादेश दे दिया है। आवश्यक है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का योगदान होना चाहिए। मैं उन सबको निमंत्रित करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए आप भी जिम्मेवारी के साथ आगे आइए। देश हित के विषय पर हम साथ चले, मिलकर के चले और देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में हम कोई कमी न रहने दें। आदरणीय सभापति जी, पॉजिटिव राजनीति भारत के इस कालखंड में बहुत आवश्यक है और मैं हमारे साथी पक्षों को भी कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन के पक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा कि आप आइए मैदान में गुड गवर्नेंस पर स्पर्धा करें। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वो एनडीए की सरकारों के साथ गुड गवर्नेंस पर स्पर्धा करें, डिलीवरी पर स्पर्धा करें, लोगों की आकांक्षा पूरी करने पर स्पर्धा करें। देश का भला होगा, आपका भी भला होगा। आदरणीय सभापति जी, आप अच्छे कामों के लिए एनडीए के साथ स्पर्धा करें, आप रिफॉर्म्स के मामले में हिम्मत करें। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वो रिफॉर्म से कदम बढ़ाएं और वो विदेशी निवेश को आकर्षित करें, अपने अपने राज्यों में विदेशी निवेश ज्यादा आए इसके लिए प्रयास करें। उनको ये अवसर है, उनके पास राज्यों में कुछ सरकारें हैं और इसके लिए वो भाजपा की सरकारों से स्पर्धा करें, एनडीए की सरकारों से स्पर्धा करें, सकारात्मक स्पर्धा करें। जिन लोगों को जहां सेवा करने का मौका मिला है वहां पे वे रोजगार के लिए स्पर्धा करें। कौन सरकार ज्यादा रोजगार देती है उस स्पर्धा के लिए मैदान में आए, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो। साथी आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां भी कहा है कि गहना कर्मणो गति ही, गहना कर्मणो गति है, यानी कर्म की गति गहन है। इसलिए आक्षेप, झूठ, फरेब, डिबेट ऐसी जीतने के बजाय कर्म से, कुशलता से, समर्पण भाव से, सेवा भाव से जरा लोगों के दिल जीतने के लिए कोशिश होनी चाहिए। आदरणीय सभापति जी, मैंने आदरणीय सभापति जी इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।
राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। आदरणीय सभापति जी, आज एक लंबी चर्चा और आपने देखा है, मैं पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, और इसलिए अब तो ये भी बड़ा मजबूत हो गया है, मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज भी मजबूत है और मेरे संकल्प भी मजबूत है। आदरणीय सभापति जी, ये कितनी ही संख्या का दावा क्यों न करते हो, 2014 में जब हम आए राज्यसभा में हमारी ताकत बहुत कम थी और चेयर का भी जरा झुकाव दूसरी तरफ था, लेकिन सीना तान करके देश की सेवा करने के संकल्प से हम डिगे नहीं। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आपने जो फैसला सुनाया है, आपने हमें सेवा करने का जो आदेश दिया है, ऐसी किसी रुकावटों से न मोदी डरने वाला है, न ये सरकार डरने वाली है। जिन संकल्पों को लेकर के हम खड़े हैं, उन संकल्पों को पूरा करके रहेंगे। आदरणीय सभापति जी, जो नए सांसद चुन के आए हैं, उनको मैं विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं मानता हूं कि बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और देश की लोगों की नजरों से गिरते हुए बचने का प्रयास भी करेंगे, इसलिए मैं उनको भी परमात्मा को सद्बुद्धि दे, मैं बालक बुद्धि को भी सद्बुद्धि दे, इस अपेक्षा के साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का जो उद्बोधन है उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको भी अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, विस्तार से मुझे बात बताने का मौका दिया और किसी का कोलाहल सत्य की आवाज को दबा नहीं सकता, सत्य ऐसे प्रयासों के भी दबता नहीं है और झूठ को कोई जड़े नहीं होती है। आदरणीय सभापति जी, जिन लोगों का अवसर नहीं दिया वो उनकी पार्टी की जिम्मेवारी है, वो आगे से अपने सांसदों का ध्यान रखेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन का भी धन्यवाद करते हुए, मुझे बहुत आनंद आया, आज बहुत आनंद आया। सत्य की ताकत क्या होती है वो आज मैंने जी करके देखा है, सत्य का सामर्थ्य क्या होता है उसको मैंने आज उसका साक्षात्कार किया, और इसलिए सभापति जी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए हैं, अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं।
प्रश्न ये है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संसदों को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न ये कि महामहिम राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य महामहिम राष्ट्रपति जी के उस भाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की, उनके अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वह हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय रक्षा मंत्री जी, अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी, उस समय जब प्रधानमंत्री जी का संबोधन चल रहा था, जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा संसदीय मर्यादाओं का लगातार तार तार जिस तरीके से किया गया है, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस कृत्य की यह पूरा सदन भर्त्सना करता है। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया, सभी दलों को देर रात्रि तक बोलने का अवसर दिया, प्रतिपक्ष के नेता को 90 मिनट से ज्यादा बोलने का अवसर दिया। लेकिन माननीय सदस्य, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, ये आपका आचरण, ये आपका व्यवहार न तो संसदीय आचरण के अनुकूल है, न देश के लोकतंत्र के लिए उचित है। और देश आज देख रहा है कि जब हमारे माननीय सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह रहे थे, तो प्रतिपक्ष के नेता माननीय सदस्यों में बेल में आके कह रहे थे ये और संसदीय परंपराओं के रूप उचित नहीं है। और मैं आगे आके अपेक्षा करता हूँ, संसद नियम प्रक्रियाओं से चलता है, आपकी पार्टी को आपसे ज्यादा समय दिया, नो, गलत, सभी को अपनी पार्टी के ज्यादा समय दिया, देर रात की दर्शन दिया, एक पार्टी के लोगों को बोलने दिया, गलत तरीका, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र का आरंभ दिनांक 24 जून 2024 को हुआ था। इस सत्र में सदन की 60 बैठकें हुई, जो लगभग 34 घंटे तक चली। सत्र का आरंभ 24 जून 2024 को हुआ था। स्थापित परंपराओं के अनुसार 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र का पहला दिन अवसर की गंभीरता को दृष्टिगत कुछ समय के मौन के साथ प्रारंभ हुआ। सत्र के दौरान 539 माननीय सदस्यों ने शपथ अथवा प्रतिज्ञान किया। दिनांक 26 जून 2024 को लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ। मुझे पुनः इस पवित्र आसन पर सेवा का अवसर देने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष का पीठासीन निर्वाचित होने मेरे लिए असीम सम्मान और गौरव का विषय है। इस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सदन में परिचय कराया। माननीय सदस्यगण, माननीय राष्ट्रपति जी ने
27 जून 2024 को समवेत दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। उसी दिन मैंने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी और इस आशय की घोषणा सदन में की गई। कल और आज 18 घंटे से अधिक चर्चा के बाद सदन ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित किया। इस चर्चा में कुल 68 मान्य सदस्यों ने भागीदारी की तथा 50 से अधिक मान्य सदस्यों ने अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे। मान्य सदस्यों के वक्तव्यों के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा का उत्तर दिया। इस दौरान नियम 377 के अधीन 41 मामले सदन के पटल पर रह गए तथा कुल 338 पत्रों का सदन सभा पटल पर रखा गया। सत्र के दौरान निर्देश 73 के अधीन सभा में माननीय मंत्रियों द्वारा 3 वक्तव्य भी दिए गए। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 103% रही। माननीय सदस्यगण, मैं सत्र के प्रारंभिक दिनों में सदन में कुशल संचालन के लिए 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ अथवा प्रतिज्ञान कराने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब तथा सभापति पालिका के सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों का सदन के संचालन में इनके सहयोग के लिए और योगदान के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, सभी माननीय मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं सभा की प्रदान की गई समर्पित स्तरीय सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों का भी सराहना करता हूं। मैं कार्रवाई के सफल संचालन संबद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा प्रधान की सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है, इसका मैं अनुमोदन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इसको सदन के सामने रखा जाए स्वीकृत करने के लिए। प्रश्न ये कि प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।